हेलो हेलो हेलो, हेलो, एक बार भाई आवाज़ चेक करके बताइयो भाई, आवाज़ उसका कैसा है? आवाज़ उस आवाज़ को नहीं आंदी। हेलो, आवाज आओ के भाई, ये बार आवाज चेक करके बताइयो भाई। ठीक है भाई, आवाज ओके है तो। आ जाओ भाई, आ जाओ फटाफट। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई जमा भरी दोपहर ही माइक पर फिर तक स्वागत करूं हूं। तो भाई सुना दो भाई के ज्ञान से तारा, फटाफट से आ जाओ भाई एक बार सारे जने। हाँ जी, और सुना दो भाई के ज्ञान से तारा। तो भाई आज तापी शुरू करने वाले हाँ मैथ, ठीक है, गणित स्टार्ट करा। हाँ आज ता गणित के बढ़िया बढ़िया सवाल हैं वो लपेटे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस है अपना आज का टॉपिक, शुरू हो जाए लाभ और हानि। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ता शुरू करेंगे, थोड़े बहुत बीच में मजाक भी होंगे। ठीक है, हंसी मजाक के साथ क्लास ना शुरू करेंगे लाभ और हानि। ठीक है भाई, शुरू के मतलब कि बीच में क्लास में करांगे। और भाई एक चीज़ और बता दूं भाई, या क्लास उनका दौरा ज़रूर पूछा दिए जोन से इसे लोग हैं ना, जो इबे सीईटी की तैयारी में घुसे हैं, जिनना मैथ का बिल्कुल टोपा नहीं आंदा, उनका दौरा ज़रूर पूछा दिए। बिल्कुल बेसिकता शुरू कराएं, जिनना आवे है वो हंसी मजाक खातर देख लियो, जिनना नहीं आंदा वो सीखने खातर देख लो, प्रैक्टिस करने खातर देख लो, जिनना आवे है। और जो टाइम पास करनी हो टाइम पास कर लियो भाई, बाकी तारी सलाह है, जिसना जो करना है वो करो। ठीक है, एक बात और कान खोल के सुन लो, अगर जो भी पेपर होंगे सीईटी का होगा, अगर जिद भी होगा, ठीक है, ईब जो पढ़ेगा ना इस लॉकडाउन में, ईब जो लॉकडाउन समझ लो ई बढ़ा बढ़ेगा, यो अप्रैल मई ताई अनु रहेगा। ठीक है, ईब जो पढ़ेगा ना, इब तो हम सोचो पढ़ने का जी को नहीं करता, नू कौन करता, नू कौन करता भाई, पर थोड़ा सा कंफर्ट जोन था बाहर निकल के देखो। ठीक है, तारा नू जी करे ना, कौन पढ़ने का जी करता, फिर भी धक्का दप पढ़ोगे, जिद जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, ईब जो यो टेम है ना, इस चीज जो यूटिलाइज करेगा, कंफर्ट जोन तक बाहर निकलेगा, उसका सिलेक्शन होगा। और पाछा जिद देखियो, कोरोना जो करे जाओगा ना, तम इतना कोरोना कोरोना में तो पढ़ो को नहीं, जो करे कोरोना जाओगा फिर तम उठोगे ओसा होगा, एक महीना पाछा ये पेपर ले लेंगे, फिर नु कहोगे मारा तो होया है को नहीं, ना सिलेबस पूरा होया, ना तैयारी हुई, ना सिलेक्शन होया, उल्टे के उल्टे उड़े मैसा ना घुमाते फिरोगे। ठीक है भाई, तो भाई स्टार्ट करा। हाँ बिल्कुल बेसिकता सिखाएं, लाभ और हानि। लाभ और हानि का सिस्टम के है, सिस्टम यो है, देखो सिंपल सी बात यह है कि जैसे देखो आप लोग भाई दुकान से, आपने मतलब कि आप दुकानदार हो ये बात सोच के चलो। ठीक है, आप लोग ले आए 10 रुपये का बिस्कुट बेचने के लिए, आप लोग 10 रुपये का बिस्कुट ले आए, आप लोग मतलब खरीद के लाए हो 10 रुपये का बिस्कुट, जो तो जो आप जो उसको खरीद के लाए हो उसकी के बोलना क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि इंग्लिश में बोलो तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को मैं रिप्रेजेंट करूँगा पूरी की पूरी वीडियो में सीपी था। ठीक है, फिर आप वो बिस्कुट ले आए 10 रुपये का खरीद की, आपना जो ग्राहक है उसकी बेचे हो 15 रुपया में। ठीक है, तो यानी कि वो जो आपको ने जो बेचा है उसकी के बोलना हिंदी में विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बोलना है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलेंगे उसकी। ठीक है भाई, आपने कोई भी बिस्कुट लाया आप 10 रुपये का, और आपने 15 रुपया में बेच दिया, तो जो खरीद के लाया उसकी क्रय मूल्य, जो बेचा है उसकी विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस थी एसपी तक रिप्रेजेंट कराएंगे, यानी कि आप 10 रुपये की चीज़ कोई खरीद के लाए हो, दुकानदार हो आप, 15 रुपये में आपने उस चीज़ को बेच दिया, तो ये जो डिफरेंस है ना प्रो मतलब कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ये क्या होगा 5 रुपये, यानी कि 5 रुपये का आपकी क्या है फायदा हुआ है भाई। कोई चीज़ 10 रुपये की लगेगी, 15 में बेचोगे तो 5 रुपये का फायदा हुआ है, तो ये जो 5 रुपये का जो ये फायदा हुआ है ना, इसको क्या बोलना है, प्रॉफिट बोलना है।
प्रॉफिट का मतलब लाभ, जो ये 5 रुपये का जो फायदा है इसलिए बोलना है लाभ, ठीक है। और लाभ जो प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा, जैसे इस सवाल का मैं है लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है वो कैसे निकलेगा, जितना भी आपको लाभ होया है लाभ बटे में क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य बटे में CP, ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि जितना चीज़ खरीद के लाए हो और गुणा में 100, इस तरीके बोलना है अपना लाभ प्रतिशत बोलना। लेकिन आप इस फॉर्मूला का यूज़ याद कौन कर, आप डायरेक्ट सवाल का सोल्यूशन कराएंगे, ठीक है, इस तरीके बोलना आप लाभ प्रतिशत। सेम केस यानी कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आ गया तारा समझ में, उसका पाछा के सिस्टम होगा, उसका पाछा यो सिस्टम होगा, इब जैसे यो सारा केस आ गया समझ में, इब जो डिफरेंस है ना, इब डायरेक्ट कई बार नुआ होगा कि जो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो आप रिप्रेजेंट को कराएं, यानी कि लाभ होगा कि है लाभ तारा आ गया ना समझ में, भाई विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस का मैं तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कटा दूँ तो वो क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट हो गया लाभ। इसी प्रकार का जो हानि होगी, हानि क्या होगी यानी कि जो लॉस होगा, लॉस क्या होगा, अगर आपका जो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के में से अगर आप लोग सेलिंग प्राइस घटा दोगे, क्रय मूल्य के अंदर से अगर विक्रय मूल्य घटा दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, आप भी हानि बोलेंगे यानी कि लॉस बोलेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट किसको बोलेंगे, सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य घटाना यानी कि बेचने वाले मूल्य के अंदर से खरीदने वाला मूल्य घटा दोगे तो आपका लाभ हो जाएगा, और खरीदने वाले मूल्य के अंदर से अगर बेचने वाला मूल्य घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। इतनी बात आ गई होगी तारा समझ में, ठीक है, जो सारा सिस्टम आ गया समझ। ऐसे हानि प्रतिशत निकलेगा, हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, हानि प्रतिशत यानी कि हानि यानी लॉस परसेंटेज हानि, और बट्टा में क्रय मूल्य मतलब जो भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही लिख देंगे, बट्टा में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और गुणा में 100, ठीक है। इब देखो इब अपना सवाल की तरफ बढ़ा, इब थोड़ा सिस्टम समझ में आवा तारा, देखो कैसे कराएंगे। जैसे अपना एक सवाल देखा, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल 4 रुपीज़ 100 ए पर्सन गेन्स 20 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट। मतलब कि अगर किसी वैसे जैसे अब फिर समझो भाई तुम दुकानदार हो, ठीक है, अब तुमने भाई किसी वस्तु को 100 रुपया में बेच दिया, किसी वस्तु थी तो हमने 100 रुपया में बेच दिया, कोई भी टाइड का सरफ ले रहे हो या और कि में ले रहे हो, उसने 100 रुपया में बेच दिया तो हमने 20 रुपया का लाभ होया, तो उन्होंने पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना, किसी चीज़ थी 100 रुपया में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया अपना जो विक्रय मूल्य है 100 रुपया के अंदर तो हमने किसी चीज़ थी बेच दिया, ठीक है, तारती लाभ कितना का होया है, 20 रुपया का है तारती लाभ होया है, 20 रुपया क्यों है तारती लाभ होया है, ठीक है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 80 रुपये, यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस हो तो 80 रुपये है। अरे कॉमन सेंस की बात है, 80 रुपये की वस्तु ना 100 रुपये में बेचोगे जितने 20 रुपये का लाभ होगा, अगला दे रखे अगर किसी वस्तु को 100 रुपये के अंदर बेचते हो तो 20 रुपये का लाभ हुआ है, यानी कि अगर आप 80 रुपये की वस्तु ना 100 रुपये का मैं बेचा है जितने 20 रुपये का लाभ होगा, कहानियाँ को नहीं आंधी समझ में आगी होगी, ठीक है, तो यानी यो केस आ गया समझ में तारा, नू है 20 रुपये का लाभ हो गया तो 20 रुपये का क्या हो गया लाभ हो गया यानी कि प्रॉफिट हो गया। यो तो बताया था सेलिंग प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, अपना तो पूछा कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत का माना फॉर्मूला क्या बताया था, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट यानी जितना भी लाभ होया है बटा में कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और गुणा में 100, तो यानी कि प्रॉफिट जितना लाभ होया है लाभ कितना आया है 20 रुपये का लाभ, तो सवाल में दे रखे है कि व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, ठीक है, यानी ये तो सवाल में दे रखे यानी कि 20 का लाभ, यानी मैंने ऊपर लिख दिया प्रॉफिट की जगह 20 का लाभ हो गया, ठीक है, क्रय मूल्य कितना आया मेरा, इसका मैं जो मेन टास्क था सवाल का मैं काटने का था अपना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस काटना था, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 80 और गुणा में क्या रख दिया मैंने 100, ठीक है, 10 तो 10 कट गई, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 5 20 यानी कि 25% का उसकी क्या होया है लाभ होया है, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाएगा। सवाल समझ में आया कौन आया, यानी कि उसने 25% का है वो लाभ होया है इस वस्तु की बेचने का, मैं जो अपना जो मेन जो लक्ष्य था हर एक सवाल का मैं यह चीज़ याद रखियो, अगर सवाल का मैं कह दे रखिए लाभ प्रतिशत पूछा है हानि प्रतिशत पूछा है तो उस केस में अपना पास क्रय मूल्य होना जरूरी है, यानी कि जो अपना कॉस्ट प्राइस है वो होना कंपलसरी है, ठीक है। इस सवाल का मैं अपना पास क्या था, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हुआ, बेचने का मतलब क्या है विक्रय मूल्य, अपने पास विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस था लेकिन अपने पास क्रय मूल्य नहीं था, लाभ दे रखे अपने को 20 रुपये का, तो अपने को पता है भाई इसने सीधा प्रैक्टिकली सोच के देखो भाई 100 रुपये की चीज़ है उसके ऊपर 20 रुपये का लाभ होया है, यानी कि समझो भाई अगर वस्तु अगर 80 रुपये की मैं उसकी खरीद के लिया हूँ अगर मैं उसकी 100 रुपये में बेचूँ जितने मेरे 20 रुपये का लाभ होगा तो ऐसा केस नू बना के सोचा करो, फिर जाके सवाल सोल्व हो जाए, फिर प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला का मैं वैल्यू पुट करो, ठीक है, और समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया वो सारे का।
बताओ भाई एक बार, समझ में आया कौन आया? ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल यो है, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? एक सोफा है भाई, उसकी 19,800 रुपया बेच दिया तो 10% का लाभ होता है। इसकी बार अपना थी लाभ हो प्रतिशत की फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। पहला किस में दे रखा था? डायरेक्ट डिजिट की फॉर्म में दे रखा था भाई, इतने रुपया का लाभ हो, पहला 20 रुपया का लाभ दे रखा था। इसकी दे रखा है प्रतिशत की फॉर्म में दे रखा है, 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है सर, आप यूट्यूब से कितना प्रॉफिट कमा लेते हो? बहुत कमावा भाई। ठीक है, एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना? अभी यानी अपन था कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, तो इस डाल का सवाल आ जाए तो देखो उसकी कुकर लपेटोगे। इसकी छोटा कर दूं भाई, मतलब अपने को अब की बार है डायरेक्ट ओके दे दिया, अपने को अब की बार परसेंटेज दे दी और क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 10% का लाभ इस डाल का सवाल आओगा उसकी कुकर लपेटना ही। तम देखो 10% का मतलब क्या हुआ है? 10% का मतलब तम सारे ना बेरा 10/100 हुआ है। ठीक है, अभी बुकाले तरीके तो न्यारे तरीका तो सोल्व करांगे। ठीक है, 10% का मतलब क्यों? 10/100, यानी कि 1 0 तो 1 0 कट गई, यानी कि क्या हो 10% का मतलब वो है 1/10। अगर अपना दी के दे रखा है एक सोफे को 19,800 बेचने पर 10% का लाभ होता है, अगर अपना ती लाभ दे रखा है तो लाभ का केस में क्या करूँगा मैं? जो निचली जो संख्या है ना, जो निचली संख्या ही है इसी में क्या मान लूँगा? इसी में क्रय मूल्य मान लूँगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लूँगा। ठीक है, और जो ऊपरली संख्या है इसका मैं या जोड़ दूँगा। ठीक है, यानी कि 10 का मैं जो 1 है वो मैं जोड़ दूँगा और इसी के मान लूँगा मैं विक्रय मूल्य मान लूँगा, यानी कि इसी में सेलिंग प्राइस मान लूँगा। ठीक है, यो मना मेरा अपनी मर्जी का मान्य है। ठीक है, बात आगे समझ में, कि अपना दिखे दे रखे 10% का लाभ दे रखे, 10% का लाभ का मतलब क्या? 10% का मतलब क्या? 10/100, परसेंटेज का मतलब बटा में 100 है, मना काटा तो क्या आ गया 1/10। ठीक है, जो निचला होगा उससे हमेशा क्या मानना है? क्रय मूल्य मानना है, कॉस्ट प्राइस मानना है, तो मना मान लिया। ऊपरला कम है, ऊपरला मतलब निचला कम है, अगर ऊपरला जोड़ोगे तो उसका पाछा जो आगा उससे क्या मानना? हमेशा विक्रय मूल्य मानना, यानी कि मैंने निचला कम ऊपरला जोड़ दिया तो यानी 10 का मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना गया? 11, 11 मैंने क्या मानना? विक्रय मूल्य। बाय चांस अगर इससे केस मार के दे दिया होता 10% की हानि होती, अड़ लाभ की जगह बाय चांस हानि होती, तो हानि वाला केस में भी क्या होता? 10% का मतलब 1/10, और यानी कि जो निचली जो संख्या इसकी क्या मानूंगा मैं? कॉस्ट प्राइस मानूंगा। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस होगा हानि का केस में घट जाएगा, ऊपरली संख्या या ऊपरली संख्या है वह घट जाएगी, यानी कि 10 में तो 1 गया कितना हो जाएगा? 9 के हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये मना खुद मानने हैं। आगे बात समझ में आया? यो केस आ गया इतना इतना समझ में। इब ऊपरला अपना पहले तो सवाल में वापस घुसा हाँ, इब देखो आगे के दे रखे हैं 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अपने को बेरा भाई एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचा है, तो बेचने का मतलब क्या? 19,800 के है तारा विक्रय मूल्य है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। 19,800 में बेचे तो 19,800 के तरह विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो यानी कि आप ही ना सेलिंग प्राइस के मान्या था सवाल में, आप ही ना तो 11 मान्य है, 11 रुपये मान्य है सेलिंग प्राइस, और सवाल वाले ने कह दे रखे 19,800, तो इन दोनों बातें क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे, बराबर टेक देंगे। ठीक है, यानी कि 19,800 किसका बराबर टेक देंगे? आप 11 का बराबर टेक दें, यानी कि 11 की वैल्यू किसका बराबर है? 19,800 का बराबर है। दोनों की वैल्यू मैंने कंपेयर कर दी भाई, यो भी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य 19,800 भी सवाल का हिसाब था और अपना हिसाब था विक्रय मूल्य के है 11 ये है, तो अब मैंने इन दोनों की वैल्यू क्या कर दी? कंपेयर कर दी, यानी 11 की वैल्यू क्या है? 19,800 है, तो यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19,800 ना 11 तक डिवाइड कर दो। ठीक है, 19,800 ना 11 तक डिवाइड करो, ये भी बताऊं, ये खोल खोल गया का मैं डायरेक्ट डिवाइड मारूंगा सीधे। ठीक है, इसने इस तरह डिवाइड करोगे तो 11 1 = 11 बच गए 8 88, 11 8 88। ठीक है, यानी कि कितना आ गया? 1800 आ गया, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1800। ठीक है, तो ये भी 10 की वैल्यू पुट करनी भी, यानी कि भी आप इन्हें क्रय मूल्य काटना, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ये तो अपना विक्रय मूल्य, यानी कि 1 की वैल्यू अगर 1800 आएगी तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1800 की 10 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 18,000 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास सवाल में? 18,000 है वो 10 की वैल्यू आएगी। ठीक है, और 10 आप ही ना क्या मान्या था? 10 तो आप ही ना सवाल का मैं क्रय मूल्य मान्या था, कॉस्ट प्राइस मान्या था, और तो कॉस्ट प्राइस अपना हिसाब था 10 था, और इस सवाल का हिसाब था कितना आ गया? 18,000 आ गया। इसने ये तो पूछे सवाल का हिसाब था क्रय मूल्य कितना है? 18,000, तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट हो जाएगा। सवाल का हिसाब था जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 18,000, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यो सीमा सिंह 18,820 बताओ भाई, सीमा सिंह गलत है आपका, 18,820 नहीं, ओनली 18,000 होगा, आपके कैलकुलेशन में थोड़ी ही गलती होगी। समझ में आया कौन आया एक बार बता दो।
किसी का कोई दिक्कत हो समझ में ना आए तो दोबारा बता दूंगा। समझ में आ गया होगा सारे का? आ गई समझ में? चलो भाई अगला सवाल की तरफ बढ़ना है। सिर्फ वैल्यू कंपेयर करनी है आपने इस परसेंटेज थी मान की, एक और सवाल कराएंगे सही सा सब समझ में आ जाएगा। देखो अगला सवाल की है, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। पिछला सवाल का मैं क्या था लाभ हो है, इब के दे रखे प्रतिशत का मैं हानि दे रखी, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सेम टू सेम वो सवाल है, सिर्फ लाभ की जगह क्या आ गया हानि आ गया, इसकी फटाफट फटाफट निपटावाएंगे। देखो कुकर है, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में, पहले अपना भाई जो मेन केस ओके है 25% का है वो अपने पास मेन रोल है। दोबारा बताओ अमन शर्मा नुका है, दोबारा बताओ भाई इसका मैं आ जाएगा समझ में ठीक है। 25% आने, 25% आने का मतलब क्या, वैसे 25% का मतलब क्या है 25/100 ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौका 100 यानी कि 1/4। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, ये समझ में आया 25% यानी प्रतिशत का मतलब क्यों बटा में 100, तो 25/100 क्या हो गया 25% यानी कि 1/4 ठीक है। 25% 100 कर दिया आ गया 1/4। ये मना क्या कही थी, जो निचरला हुआ उसकी हमेशा क्या मानना है क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मानना है, तो निचरला थी मना क्या मान लिया क्रय मूल्य यानी कि 4 के हो गया मेरा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया ठीक है। और आग सवाल का मैं क्या रखे अपना थी आनी होती है, आनी का केस का मैं मना की गई थी ऊपरली संख्या वह घटेगी ठीक है, यानी निचरली का मैं है वह ऊपरली संख्या क्यों होगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी आनी का केस में यानी कि लॉस का केस में, और अगर प्रॉफिट होगा तो उस केस में जुड़ जाएगी, यानी कि आनी हुई है तो यानी कि 4 का मैं था 1 घट जाएगा तो यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 की हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 3। इतनी बात आ गई सारे का समझ में। उसका पाछा क्या है भाई, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेचने का मतलब क्या है, अपना पास क्या है विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस। अपना सवाल का मैं सेलिंग प्राइस कितना दे रखा, सवाल आया ना 69.60 रुपये हो, सवाल आया ना क्या दे रखा है विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दे रखा है ठीक है। और अपना हिसाब था जो सेलिंग प्राइस आया हो कितना आया है 3 आया है, मैंने क्या बताई थी दोनों की वैल्यू हमेशा कंपेयर करनी है। अपना हिसाब था जो सेलिंग प्राइस आया हो 3 आया है, सवाल आया ने दे रखे है 69.60, दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों की वैल्यू मैं क्या कर दूँ कंपेयर कर दूँ, दोनों ने बराबर रख दूँ यानी कि 3 की वैल्यू मैंने क्या रख दी 69.60 रख दी। फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो, फटाफट आंसर बताओ मेरे थी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर एक की वैल्यू काटूँगा, 1 की वैल्यू कुकर लिखेगी 3 ना इस तक डिवाइड कर दूँगा 69.60 था, यानी 3 तक डिवाइड करूँगा तो 3 × 6 3 × 3 9 3 × 6 यानी कि 23.20 है, वो किसकी वैल्यू आएगी 1 की वैल्यू आएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, जो 4 के अपना क्रय मूल्य यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ने इस तक मल्टीप्लाई कर दूँगा 4 × 0 0 4 × 8 4 × 3 12 4 × 8 1 9 यानी कि 92.80 है वो क्या आएगी अपने पास 4 की वैल्यू आएगी। तो यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 92.80 है वह 4 की वैल्यू आएगी। और 4 आप ही ना क्या मान्या था, आप ही ना तो क्रय मूल्य मान्या था यानी कि कॉस्ट प्राइस मानना था, और सवाल का मैं भी कह दे रखे इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य पूछा था तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया 92.80 रुपये है वो वस्तु का क्रय मूल्य है, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बाकी भाई समझ में, जिसका पिछला सवाल समझ में नहीं आया था ई भी अगर नहीं आया तो आओ भी कौन भाई समझ में, इतनी एक्सप्लेनेशन देने का पाछा भी जब किसी का सवाल समझ में नहीं आया तो आओ भी कौन भाई ठीक है भाई। आ गया वह सारे का कमांडो की ज्वाइनिंग भाई बहुत जल्द हो जाएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम ठीक है भाई समझ में आ गया वह सारे का। और सुना दो भाई के ज्ञान से तरह सिस्टम सिस्टम से ही चलता होगा, सवाल है अच्छी डाल समझोगे, एक बार आड़े सिर्फ वीडियो में देखने तक ही मेरे को नहीं हो, खुद प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी भाई इनकी ठीक है। घर कोई बुक बाक लेगी, एक आर एस अग्रवाल की बुक आवे है ठीक है, बढ़िया बुक है मैथ की, उसने उठाया कि उसका मतलब 150 150 सवाल है उस मानू इसे इसे प्रॉफिट एंड लॉस के, उनकी प्रैक्टिस करके देखोगे ना इस भाई तरीका सीख की फिर सवाल आओगे आड़े के लिए देखने तक होने आओ, आड़े तो उससे सारा दिन देख लियो तो भी कोने मतलब आड़े नू लगा तब ना आ गया समझ में, खुद करने बैठोगे सवाल को लिखा तार पे एक भी जितनी प्रैक्टिस नहीं करोगे जितनी। अगला सवाल देखो अगला के है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। इब चीज के दे दी, पहला तो पूछा करता अपना था क्रय मूल्य, इब कल इसने के पूछ लिया कि भाई नू बताओ कि भाई उसकी कै रुपया में बेचे कि उसने 25% का लाभ भी हो, भाई बेचण पर 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि तो हो वैसे, लेकिन नू और कह दिया भाई इब उस वस्तु की कै रुपया में बेचे कि उसने 25% का लाभ हो, तो इस डाल का सवाल थी देखो कुकर लपेटाएंगे, सवाल की स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए पहला तो
ठीक है, यानी कि इसका इस सवाल का मैं दो केस बन रहे हैं। पहला केस तो के है, पहला केस का मैं तो 25% की हानि हुआ है, दूसरा केस का मैं 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखो इस डाल का सवाल तो कूर कराएं। पहला के देखिए 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, यानी कि 25% की हानि का मतलब क्या है, खुद सोल्व करो फटाफट। 25/100 यानी कि 25/100 का मतलब क्या है, 1/4, यानी कि जो मैंने क्या बताई थी जो निचर लाभ है वो क्या हो जाएगा अपना पास, क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 4 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, और निचर लगा मैं तो अगर मैं ऊपर लगा घटा दूँगा तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, आने का केस का मैं क्या अगर 25% की आनी हो, आने का केस में मैं निचर लगा मैं तो ऊपर ला घटाऊँगा, यानी कि 4 तक की होगी 3, यानी कि आनी होगी, आनी तो हमने दिख दिखो नहीं, 4 रुपया की चीज़ 3 रुपया में बेचने लगे आनी होगी। ठीक है, 1 रुपया की आनी होगी, तो वही सिस्टम है। ठीक है, तो यानी कि अपना देखिए दे रखा है 300 450, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, 450 में बेचने का मतलब यानी कि 450 के दे रखे सवाल का हिसाब था अपना थी, सेलिंग प्राइस दे रखे 450, विक्रय मूल्य दे रखा है, अपना हिसाब था जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया है, 3 आया है, यानी कि दोनों की वैल्यू कंपेयर कर दूँगा, 3 ना किसका बराबर टेक दूँगा, 450 का बराबर टेक दूँगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी कि 150 आएगी, वह किसकी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की और 150 की मल्टीप्लाई कर दूँगा, 4 × 0 = 0, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4 और 5 है, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 600, यानी कि 600 अपना पास किया गया, अपना जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया अपना सवाल कम है, 600 रुपये है वो अपना क्रय मूल्य है, यानी कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य बेरा पैट जा हुआ है तो आप ही क्या कर सके, हाँ भाई अगर आप उसकी 25 रुपया में 25% लाभ पर बेचें तो अपना थी उसका मतलब क्या दे रखे भाई, उसे किस मूल्य पर बेचें कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कि अपना उसका क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछे, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस पूछा है, वो आदमी उस वस्तु की कै रुपया में बेचता है कि उसे 25% का लाभ हो, ये बेचने वाला लाभ कुकर फाइंड होगा, जिस आप ही ना क्रय मूल्य यानी कि जितना आप चीज लाए उसका बेरा हो, जितने बेरा पटेगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कुकर बेरा पटेगा यानी सेलिंग प्राइस, इप्तामना देखो इप्तारती मैं नुकूँ कोई चीज़ मना है ना 10 रुपया में बेच दी और मेरे तो उस पर 5 रुपया की हानि होगी, ये मैं उस पर 10 रुपया का और फायदा लेना चाहूँ हूँ तो मैं उसकी 1 रुपया में बेचूँगा, यो सिस्टम है। तो इतना हमारा जिस सिस्टम क्रय मूल्य का बेरा पटेगा कॉस्ट प्राइस का, जो अगर 10 रुपया की चीज़ है 5 की हानि होगी, तो 5 की हानि का मतलब क्या हो गया, वह 5 रुपया की चीज़ बच गई। ठीक है, तो यानी कि तारा समझ में आ गया, 5 की उसका क्रय मूल्य है और 10 का लाभ कमाना चाहूँ तो 5 का मैं 10 और जोड़ दूँगा, यानी कि 15 का हो जाएगा, तो वो सेम सिस्टम आ रहा है। आपने देखिए इधर क्या 25% की हानि हुआ है 450 में बेचने पर, तो 25% की हानि का मतलब पहला मैंने उसका क्या काट दिया, क्रय मूल्य काट दिया, ये क्रय मूल्य का ऊपर तो लाभ काट दूँगा, नो तो दे रखे वैसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कि 600 रुपया की कोई वस्तु है उसकी 1 रुपया में बेचे कि उस तरह 25% का है लाभ हो जावे, नो प्रश्न पूछा है, ये 25% लाभ का मतलब के है, वो सेम टू सेम वही केस है, 25% लाभ का मतलब, यानी 25% का मतलब कितना है, 1/4, लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 4 और 4 में 1 जुड़ जाएगा 5, लाभ का केस में ऊपर लग गया 1 जुड़ जाएगा, यानी कि हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, इब अपना थी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू तो दे रखी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 4 की वैल्यू मैंने किसका बराबर टेक दियो, सॉरी 600 का बराबर, अरे 4 की वैल्यू तो दे रखी है 600 कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, ये तो दे रखे 600, यानी कि 1 की वैल्यू भी अपने पास कितनी है 150, 4 की वैल्यू 600 तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, क्योंकि 4 ना 600 तो डिवाइड कर दो तो आ जाएगी 150, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट किसना किसता मल्टीप्लाई कर दो ना 5 तक मल्टीप्लाई कर दो 150 ना 15 × 5 = 75, 750 हो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाएगा, 750 हो इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, आगे हुई समझ में, बिल्कुल भाई ममता शर्मा का 750 भाई बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जिनका भी 750 आया है बिल्कुल 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 750 आ गया हुआ समझ में, अरे ममता शर्मा इतना टाइम तो कौन होता पेपर का, मैं फिर समझान खातर टाइम लग गए हो, नहीं हो इसी बताऊँगे कुकर होगा यार, तम भी जमानू वो इतना टाइम को नहीं होता पेपर में, तो बड़ी फास्ट स्पीड में चल रहे हैं, देखो
फास्ट स्पीड तक करके दिखाऊं कि दे रखे 25% का 25% की आनी हुआ है 25% का आनी 25% का मतलब क्या हुआ सवाल का मैं 1/4 हुआ है आनी का मतलब यानी कि 4 से 3 हो गया ठीक है 25% का लाभ लाभ का मतलब यानी कि 4 से 5 हो गया क्योंकि सेम केस है ठीक है 3 + 5 हो यानी कि वैल्यू कितनी है 2 ठीक है यानी कि अपना को के दे रखे है एक वस्तु को 450 में दुकानदार को 25% की आनी होती है यानी कि मैं डायरेक्ट यहाँ तक पुट कर दूंगा 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को 450 दे रखी है यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 × 3 = 15 यानी कि 150 आएगी ठीक है तो इससे हिसाब था 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 150 यानी कि कितना आ गया 750 यो आ गया ममता सरमान सर सारी 30 सेकंड लागी होंगी नो तो मैं भी कर सकूँ हूँ पेपर में इतना टाइम कौन आता जी समझाने में टाइम लागा है वो तो मना ही मेरा पेपर में इतना टाइम कौन होता तरते एक्सप्लेन करूँ हूँ जित खुद प्रैक्टिस करोगे ना बुका का मैं था नुए होंगे 2 मिनट में सवाल ठीक है बताओ ना नुए कौन मेरा 25% का मतलब क्या हुआ है 25% का मतलब 1/4 हो एक जना ही पूछा था 25% का क्या मतलब हुआ है 1/4 हुआ है ये फुल एक्सप्लेनेशन का गला तो समझाना पड़ेगा ना वो तो मना ही मेरा पेपर में इतना टाइम कौन होता ये तू 2 मिनट में भी हो सी कहे हो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छा ये आदमी है पेपर में इतना टाइम कौन होता जी जल्दी कराओ जल्दी रेल निकल है रेल अड़क गला सूख लिया यार करांदे मैं तो इतनी एक्सप्लेनेशन दे के समझाने लग रहा हूँ मेरे बटे नुगा पेपर में इतना टाइम को नहीं होता जी कोई फायदा कौन भाई अड़क करवाने का इस तरह बढ़िया तो सही काम करना लोग भी ऐप पर कोर्स बनाओ और उड़े बेचो ठीक उड़ा रपिए दे कि पढ़ोगे ना आप पे आप अकल ठिकाने आ जाएगी उड़ा ना तो तमी इतनी बकवासबाजी करो ना कोई नु कहो है पेपर में इतना टाइम को नहीं होता सारे नु चुपचाप जोड़ पढ़ने वाला है ना वो आया करें आड़ जो सारे घुस जाए टाइम पास करनी है भी और सबकी में भी एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है एक कुर्सी है भाई ठीक है उसकी देखो सेम टू सेम वो 5 लाख % है एज इट इज खुद करियो इसना एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है सेम टू सेम वो केस है 25% का मतलब क्या है 1/4 ठीक है 25% की हानि का मतलब क्या है इन देखे 25% की हानि हानि का मतलब वैल्यू क्या होने लग रही है 4 से 3 होगी ठीक है इब आगा दूसरा केस में दे रखे 25% का लाभ यानी कि वैल्यू 4 से 5 होगी ठीक है 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 720 दुकानदार को 25% की हानि पर यानी 720 रुपये में बेचते तो 25% की हानि हुआ है यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 720 खुद करियो इसना जो कर पासला सिखाया था नो तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 6 और 3 × 12 यानी कि 240 तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 5 × 20 5 × 10 और 2 × 12 यानी कि 1200 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट हो जाएगा 1200 इसका आंसर हो जाएगा भाई काट दिया मना तो भाई ममता शर्मा 2 मिनट में ठीक सके पुनिया भाई दारा के चिचड़ लाग रहे हैं कमांडो मेडिकल के पास हो जाएंगे ना भाई जिसका भाई चिचड़ लाग रहे हैं उसको मेडिकल से निकाल लिया जाएगा भाई भाई जिस भी भाई का भाई कमांडो का जो भी नुका है कमांडो का मेडिकल में भाई चिचड़ लाग रहे हैं हमारा तो भाई वो अपना तुरंत प्रभाव से या तो माटी का तेल लगा लो भाई गात का ठीक है या फिर अपना भाई जो भी मतलब जैसे कि चिचड़ तुड़वा लो कोई आस पड़ोस में आओ तामनू बैठ जियो नू नू होगी कोडे लियो उड़े नू ठीक है और उड़ा अगला जना है वो कप में पानी भर के चिचड़ तोड़ देगा तारे एक एक के नू ठीक है भाई जिसका चिचड़ हो रहा है मेडिकल में काट दिया जाएगा भाई मेडिकल में जाने से पहला चिचड़ जरूर तुरंत प्रभाव से तुड़वा लें ठीक है ठीक है क्या भाई तुरंत प्रभाव से दारा भाई साहब चिचड़ तुड़वा लिए भाई करड़ा काम हो जाएगा देखो भाई एक्सप्लेन करके किस्ती समझाऊँ दोबारा तो देख लो यो ये सवाल
ठीक है। इस सवाल का मैं जोकर देखो ही डालगा, सवाल करना को कराप्ति के दे रखा है 25% की हानि होती है। 25% हानि का मतलब क्या है, 25% का मतलब क्या होया अगर एक बटा चार हो, एक बटा चार को करो 25/100, 25% का मतलब क्या हो, प्रतिशत का मतलब 1/100 यानी कि 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100 यानी कि किया गया 1/4 हो गया। ठीक है, यानी कि 1/4 25% हानि का क्या मतलब है, यानी कि जो निचली वैल्यू होती है हमेशा क्या मानना है, क्रय मूल्य मानना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 4। ठीक है, और इसका मतलब अगर एक घटाओगे यानी कि ऊपरली वैल्यू है वह घट जाओगी। ठीक है, एक घटाओगे तो वह क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। हानि का केस में क्या, अगर ऊपरली वैल्यू घट जाएगी यानी कि 3, यानी यो क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, दूसरा केस के दे रखे भाई उसको कुर्सी को कितने रुपये में बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो। ये 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% का मतलब तो हमेशा 1/4 होगा। लाभ का केस का मतलब क्या होगा, जो निचली वैल्यू है तो एज इट इज रहोगी, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, लाभ का केस में क्या हो जाएगा, ऊपरली वैल्यू है जुड़ जाएगी। हानि का केस में ऊपरली वैल्यू घट जाए अगर, और लाभ का केस में ऊपरली वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी कि 4 तक कितनी होगी वैल्यू, 5 होगी। ठीक है, इब अपना देख के दे रखे भाई किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। यानी कि 720 क्या है अपने पास, सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है। अपने पास विक्रय मूल्य की वैल्यू सवाल वाले ने कितनी दे रखी है, 720 रुपये दे रखी है, लेकिन आप ही ना कितनी माननी है इस केस का, मैं हानि वाला केस में, यो हानि का केस है। ठीक है, यो हानि का केस है, यो लाभ का केस है। ठीक है, हानि का केस कम है 25% हानि का, में जो विक्रय मूल्य है वो कितना, यानी सेलिंग प्राइस 720 है, और आप ना कितना मान्य है, 3, तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 720 होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 ना 720 तक डिवाइड करूँगा, यानी कि 3 × 6 3 × 4 12 यानी कि 240 हवा 1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और तो फिर इस 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यो मना कुकर कर दिया डायरेक्ट, मना इसका मैं क्रय मूल्य निकालने की जरूरत क्यों कौन पड़ी, क्योंकि दोनों का जो क्रय मूल्य है दोनों का सेम है, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस हो दोनों का सेम है। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो इनकी वैल्यू काटने की कोई जरूरत को नहीं, डायरेक्ट आप आड़ता 1 की वैल्यू काट के डायरेक्ट 5 की वैल्यू निकाल सको हो। ठीक है, अगर ये दोनों का क्रय मूल्य अगर अलग अलग होता दोनों का कॉस्ट प्राइस, तो आप ही इन दोनों का कॉस्ट प्राइस ना सेम बना देते। ठीक है, और उसका 5 आप ही विक्रय मूल्य काट दे, 3 की वैल्यू 720 आई, 1 की वैल्यू 240 आई है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, 5 × 20 ऊपर आए लग जाएगी हासिल 2, 5 × 10 = 12 यानी कि 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 यानी कि लाभ वाला केस कम है, जो आपका विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस है यो 5 है, लाभ वाला केस कम है। प्रॉफिट वाला केस का मैं जो लाभ है यानी कि जो सेलिंग प्राइस हो कितना आया है, 1200 रुपये आया है। यह सवाल का मैं पूछा था कि उसे कितने रुपए में बेचेगा कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कि अगर उसकी 1200 रुपये में बेचेगा तो उसकी क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। आ गया भाई समझ में, सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, सीईटी का एग्ज़ाम भाई कोरोना जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से, मेरा हिसाब से तो इब तो होगा नहीं, वो होगा तारा मई जून कहानी जून लगो होगा मेरा हिसाब से तो। ठीक है, लेकिन तैयारी करोगे जिदे बात बनेगी। और भाई जो भी मतलब कि मेल कॉन्स्टेबल में भी भाई जो भी कोई वीडियो देख है या फिर कोई और भी देख है, तो भाई जिस भी भाई का चिच्चड़ लाग रहे ना, चिच्चड़ जरूर तुड़वा लियो भाई, मेडिकल में काट दिए जाओगे भाई तुरंत प्रभाव से। ठीक है भाई, ये के नाम है कमांडो वाले भी और मेल कॉन्स्टेबल वाले भी, जिसका भी चिच्चड़ हैं या फिर चुरनिए हैं, चुरनिए हैं वो तो फिर तेल का फोआ दरवा लियो। ठीक है, तेल का फोआ रहता ना दरवाएगी सोजियो सुबेरा ती सारे चुरनिए मरे पाओगे। और जिसका भी भाई चिच्चड़ हैं वो भाई या तो नू कोडे हो लियो, वो मतलब कि कोई भाई कप लेगी पानी का कप भर के उड़े तुम एक एक चिच्चड़ ना पाट देगा सारा गत पता चिच्चड़ उतर जाएंगे, या फिर मट्टी का तेल लगा लियो चिच्चड़ मर जाएंगे। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% आने को नहीं आवे, महाराज हानि होगा, हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, इस केस का मैं अपना तक क्रय मूल्य पूछा है। सवाल का मैं पूछा कि है भाई किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर किसी वस्तु थी 20% के दे रखा है, 20% अगर उसने हानि की बजाय 20% अगर उसने लाभ पर बेचा है, यानी कि कोई वस्तु देखो बाय चांस जो कोई वस्तु 10 रुपये की है, ये उसने 5 रुपये में बेचने की बजाय अगर उसने 15 रुपये में बेचेगा तो उसकी 10 रुपये का लाभ होगा को नहीं होगा, होगा। अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है, 10 रुपये की किसी वस्तु की कीमत है, उसने अगर 5 रुपये पर बेचने की बजाय अगर उसने 15 रुपये में बेचेगा तो उसकी 10 रुपये का लाभ होगा को नहीं होगा, 5 की चीज़ 15 में बेचेगा तो 10 रुपये लाभ होगा कौन, वो सेम केस साढ़े दे रखे किसी वस्तु को 20% का लाभ यानी कि लाभ होगा, ये 20% का लाभ पर बेचने की बजाय, सॉरी 20% के लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने
की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलते हैं। यो दे रखे सवाल का मैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है यो प्रश्न पूछा है। तो इस डाल का सवाल थी देखो कुकर लपेटोगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, मना मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य हो 100 रुपये मान लिया, लेट जो कॉस्ट प्राइस है जो मैंने वस्तु का जो क्रय मूल्य हो कितना मान लिया 100 रुपये हो, मैंने वस्तु का क्या मान लिया क्रय मूल्य मान लिया भाई, ठीक है। ये मैंने वस्तु का क्या मान लिया क्रय मूल्य मान लिया। अब क्या देखे 20% लाभ पर बेचने से, अगर मैं 100 का 20% काटूंगा 100 रुपया का 20% काटो भाई, 100 रुपया का 20% के प्रतिशत का मतलब 20/100 कट गया यानी कि 20 हो गया, ठीक है। और यो 20 किसका में जुड़ेगा, ये 100 का में जुड़ेगा, यानी कि 100 का अगर मैं 20% काट के जोड़ूंगा तो यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20% का लाभ पर बेचा, लाभ का मतलब लाभ का केस में जो 20 इसका में जुड़ जाएगा, और अगर आने का केस होगा तो 100 का में तब 20 है यो 20 घट जाएगा यानी कि 80 हो जाएगा आने का केस का में, ठीक है। यानी कि इसके दर क्या 100 पर 20% के लाभ पर बेचने पर, यानी कि 100 का 20% का लाभ करूंगा तो यानी कि लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपया में बिकेगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य है। उसे 20% आने पर बेचने की तुलना में, यानी कि 20% आने का मतलब कितना हो गया 80 रुपये, यानी कि इसका मतलब 20 घट जाएगा, यार बताया 20% का मतलब क्या हुआ है 20 रुपये, ठीक है। सो यानी कि 100 का मतलब 20 गए 80 आ गया, यानी कि क्या हो गया अपना कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो गया। तो उसने कह दिया इससे 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि अगर इसने 80 रुपया में बेचने की बजाय अगर इसने यो 120 रुपया में बेचा है तो इसने 60 रुपये हैं वो फालतू मिले हैं काका, या कहानी आई समझ में। यानी कि अगर इसने 80 रुपया में बेचने की बजाय अगर इस वस्तु ने 120 रुपया में बेचेगा ना तो इसने 60 रुपये फालतू मिलेंगे, इतनी कहानी आगे दिमाग कम है होगी फिट। समझ में आओ कोने अंदर, पहले नू बता दो एक बार। ठीक है, इसने 60 रुपये के मिलेंगे फालतू मिलेंगे, ये अपना दे रखा है। लेकिन सवाल अपना हिसाब था कितने रुपये फालतू मिलेंगे इसकी, 80 और 120 का डिफरेंस कितना है 40 रुपये, अपना हिसाब था तो इसने 40 रुपये फालतू मिलेंगे। लेकिन सवाल का हिसाब था इसने कितने दे रखे हैं 60 रुपये फालतू मिलेंगे, तो यानी कि 40 और 60 ती मैं क्या कर दूँगा कंपेयर कर दूँगा, यानी कि 40 मैंने किसका बराबर टेक दिया 60 का बराबर टेक दिया, तो यानी कि एक की वैल्यू है वह क्या जाएगी 8 0 तो 0 कट गई, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आएगी 6/4 आएगी, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 6/4, आप इन वैल्यू किसकी काटनी है, आप इन वैल्यू काटनी है 100 की, क्योंकि 100 अपना पास क्या है क्रय मूल्य, अपना पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अपना पास एक की वैल्यू आएगी 6/4, ठीक है। तो यानी कि आप इन क्रय मूल्य मान्या कितना था सवाल में, यो मैंने रखा लेट CP यानी कि जो क्रय मूल्य माना कितना मान्या था सवाल में कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान्या था, इब एक की वैल्यू 6/4 आएगी तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 × 6/4, ठीक है। इसने काटूंगा तो 4 × 8 = 4 = 5 25 छिक्का कितने हुए हैं 25 छिक्का 150 यानी कि 150 रुपये क्या आ जाएगी आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट हो जाएगा, 150 रुपये क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। एक बार कमेंट करके बता दो सवाल समझ में आया कोने आया, बताओ भाई सवाल समझ में आया कोने आया। SSC GD का रिजल्ट कब आएगा, GD कॉन्स्टेबल आएगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, बताओ भाई एक बार। 40 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 3/2 देन 100 = 150, बिल्कुल भाई बिल्कुल, 3/2 भी लिख सको इसकी, 6/4 है 2 × 3 = 2 × 4, समझ में आ गया हुआ। यस सर यस सर यस सर, कौन सा का यो ना आया अंकित ओल्याणु का ना आया भाई साहब, देखो दोबारा समझ लो जिसका नहीं आया, मैंने वस्तु का जो क्रय मूल्य था मैंने कितना मान लिया 100 रुपये, ठीक है। इन्होंने पूछा था वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, मैंने कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया, मैंने कह दे रखे 20% लाभ, ये 20% लाभ का मतलब कि भाई ये जो से इनको है ना आया यो सवाल भी समझ में नहीं आया, यानी समझो ये नर्सरी में बिठाने का लायक है, इनकी 8वीं क्लास में बेटा दोबारा एडमिशन ले लिए ओल्याण साहब, 8वीं में दोबारा एडमिशन ले लिए, कोई फायदा कौन तेरा, ठीक है। ये 20% लाभ का मतलब क्या है, 20% लाभ का मतलब है 100 के ऊपर 20% का लाभ का मतलब है 120, ठीक है। 20% आने का मतलब क्या है 80 रुपये, इसने कह दे रखे भाई
हानि पर बेचने की तुलना में अगर लाभ पर बेचेगा ना तो इतना 60 रुपये अधिक मिलेंगे, लेकिन आप इन्हें कितने रुपये अधिक मिले, आप इन्हें 40 रुपये फालतू मिले। अगर मैं इतना 80 के बजाय 120 में बेचूँगा तो अपने जी कितने रुपये फालतू मिले, 40 रुपये फालतू मिले हैं। और सवाल का हिसाब था कितने दे रखे थे, 60 रुपये फालतू मिले, तो मैंने 40 की वैल्यू किसका बराबर टेक दी, 60 का बराबर टेक दी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4 आएगी। इवन 100 की पूछी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये मान्या था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 × 6/4 यानी कि 150 रुपये आएगी 100 की वैल्यू। है आ गया वसारे का समझ में? अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल देखो क्या होगा। ए ने कोई वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेच दी, बी ने वह वस्तु, यो सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आवे है। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर, सी ने डी को 10% लाभ पर बेच दी। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था? देखो आसान सा सवाल, इसका मैं कुछ लंबा चौड़ा सांग को नहीं, ठीक है, एक बार ध्यान था समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सवाल के है ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर बेच दी, ऐसे ऐसे एक इसका मैं चैन सी बना लो। ए ने कोई वस्तु है बी को बेच दी 25% के लाभ पर, उसके पास फिर बी ने वह वस्तु सी को बेच दी, ठीक है, 20% के लाभ पर, सी ने वह वस्तु डी को बेच दी 10% के लाभ पर। यदि डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा था, डी ने इसे कितने रुपये में खरीदा था, 330 रुपये में खरीदा था, यानी कि डी की वैल्यू के दे रखे अपने तो 330 में, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, ये वापिन आड़ता ए की वैल्यू काटनी है, ए की वैल्यू कितनी आओगी, यो दे रखे अपना जी सवाल, टुच्चा सा सवाल, इसका मैं कुछ ज़्यादा थोड़ा लंबा चौड़ा सांग भी कोनी, ठीक है। देखो इसकी कुकर लपेटांगे भाई, इस सवाल को देखो नू लपेटा जाएगा, अपना दिखे दे रखे अपना थी आखिरी का मैं वैल्यू दे रखी 330, तो आप इन्हें उल्टा बड़ा चालना पड़ेगा, ठीक है। अपना दिखे दे रखे है भाई डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा, यानी कि 10% लाभ का मतलब क्या है, सी ने डी को कितने रुपये में बेचा था, 10% के लाभ पर, या अपना पास ऐड है या जो डी की वैल्यू है या कितनी दे रखी है, 330 दे रखी है, या आप पहला आड़ सी की वैल्यू काट डांगे, फिर आड़ बी की वैल्यू काट डांगे, फिर आड़ ए की वैल्यू निकलेगी, यानी कि 10% का मतलब क्या हुआ है, 10/100 काटूँगा तो कितना आ जाएगा, 1/10, ठीक है। इब सी ने क्या दे रखे, सी ने डी को 10% के लाभ पर बेची, यानी कि 10% लाभ का मतलब कि वस्तु की वैल्यू क्या होने लग रही है, 10 से 11 हुआ है। 10% लाभ का मतलब मैंने क्या बताया था, निचली वैल्यू तो क्या मानना है, कॉस्ट प्राइस मानना है, ऊपरली वैल्यू उसका मतलब जुड़ की क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, यानी विक्रय मूल्य किस केस में, लाभ का केस में, प्रॉफिट का केस में। इसे नदी तो दे रखे भाई 10% लाभ पर बेची जाती है, यानी कि 10 से वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी, तो यानी आड़े 10 वैल्यू कितने तक कितनी होगी, 10 से कितनी होगी, 11 होगी, 10% के लाभ पर बेची, यानी कि 10 से वैल्यू 11 होगी। 11 की वैल्यू कितनी दे रखी थी सवाल में, 330 दे रखी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी, सवाल का हिसाब था कितनी आई है डी की वैल्यू, 330, लेकिन अपना हिसाब था कितनी आई थी, 11, तो आड़ एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 की वैल्यू 330 है, तो एक की वैल्यू 11 × 33 यानी कि 30 आएगी, ठीक है। फिर आड़ 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 की और 30 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 300 हवा की आ जाएगी अपने पास, 10 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अपने पास सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 300 है वो अपने पास सवाल का हमें सी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू कितनी थी 330, सी की वैल्यू कितनी आएगी, 300 आएगी। ये वापस ना किसकी वैल्यू काटनी है, बी की वैल्यू काटनी है। सेम केस आड़ा है, बी ना कितना दे रखे, 20% का लाभ, 20% का मतलब क्या हुआ है, 20/100 काटोगे तो 2 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 5 × 10 यानी कि कितना आ गया, 1/5। लाभ का केस दे रखा है तो निचला थी के मानना है, क्रय मूल्य मानना है 5, और ऊपरला उसका मैं जुड़ जाएगा, यानी कि 5 से वैल्यू कितनी होने लग रही है, 6 होने लग रही है लाभ का केस में। अगर हानि होती लॉस होता तो ऊपरली वैल्यू हो घट जाती, 5 में तो 1 घट जाता, कितना हो जाता, 4 हो जाता, यानी कि 5 से 4 हो जाता, इनके 5 से 6, यानी कि इस केस में कितनी वैल्यू होगी, बी की 5 से 6, 6 की वैल्यू या 6 तो आई है अपना हिसाब था, ठीक है, या 6 किसका हिसाब था, यह अपना हिसाब था, लेकिन सवाल का हिसाब था इसकी सी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 300 आई है, और अपना हिसाब था कितनी आई है, 6, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है, 300, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 30 और 50, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 5 = 25, यानी कि 250 है वो कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 है वो 5 की वैल्यू हो जाएगी। आगे भाई समझ में इतनी, 5 की वैल्यू अपने पास देखो सारे वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू 330 दे रखी थी, सी की 300 आएगी, बी की 250 आएगी, ये भी एक ही गार्डन है। ए ने कितना पर बेचा था, 25% का लाभ, ये 25% का मतलब क्या हुआ है, 25% का मतलब कितनी बार बता लिया, 1/4 हुआ है, ठीक है। लाभ का केस का मैं क्या हो जाएगी, वैल्यू 4 से कितनी होगी, 5 होगी,
लाभ का केस में 1/4 हो है 25% की वैल्यू, यानी कि निचला क्रय मूल्य ऊपरला विक्रय मूल्य 4 का ऊपरली एक जुड़ जाए यानी 5, 5 की वैल्यू कितनी दे रखी अपना थी 250, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 50, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपना पास 4, 5, 20 यानी कि 200 हो जाएगी, 200 किसकी वैल्यू हो जाएगी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और 4 किसकी वैल्यू थी 4 थी अपने पास ए की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि ए की वैल्यू आ गई, तो दे रखी ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा था, ए ने उसे 200 रुपये का में खरीदा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। सवाल समझ में आया को नहीं आया, देख लो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 200। आखिरी था शुरू करना, जोनसा की वैल्यू सवाल का मैं दे रखी है ना 330, किसकी वैल्यू दे रखी है डी ने इसे 330 में खरीद दिया, जोनसा की वैल्यू दे रखी है ना उड़ता उल्टा बल चलाना शुरू कर दियो, और जो जो दे रखे सवाल में 25% लाभ दे रखे 25% लिख दिया 20, फिर नुनू करके सारे की वैल्यू काट दो, ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 200। समझ में आया को नहीं आया, आ गया हुआ भाई सारे का समझ में, तो कौन सा बजाओ हो, साका दिल जले बेटा तेरी भी लुगाई बाज जाएगी और मैं ले जाऊँ तेरे लिए ना बजाएगी, ठीक से फिर उड़ा हांडी जाइए गुफाया का मैं बाबा बनया बड़ी बड़ी डाडी बढ़ाई, बहुत तेरा चस्के चढ़ रहे हैं, लुगाई बाजगी मेरी सासुगाड़ बजाऊंगा तेरी लुगाई। सरस्वती क्लासेस भाई सैनी नुका है, ये तो बच्चों वाले हैं, तो भाई सरस्वती क्लासेस ना लगाओ भाई, क्लास कौन कहो है, मैं ना तो कोई बेसिकता सिखाऊंगा, जिन्ना जमा बेसिकता को नहीं आता उनती तो सिखाना जरूरी है, सरस्वती क्लासेस तना तो आओ है, आओ तो भाई तना आओ तो, और कितने भाई वाह एक किरण पब्लिकेशन की बुक आओ उसके सवाल पढ़ी जा मुँह भाई, ये तो बच्चे वाले हैं बच्चों के लिए हैं ये सवाल, मैंने तो पहला ही कही थी मैं जमा बेसिकता सिखाऊंगा, चाहे वीडियो का पोस्टर पर देख ले मैं बेसिकता सिखाऊंगा, जिसे ना आवे हैं वो अपना टाल कर दियो सीखने की, देख लो सीजीआर का पेपर कदे पटता को नहीं बाबू जी, हवा ले इतनी पट्टे आज थी कदे पर भी कौन पट्टा होगा पटया था तो ये लगा ला क्लास में कौन पढ़िया पाँगा कितने नौकरी लग गया पाँगा बेशिक्षी अगला सवाल देखो भाई, विशु सैनी नुका मेरा भी कमेंट देख लो, अगला सवाल देखो भाई, ऊँ गर्मी हो रही यार ऊँ ऊपर तो यहीं यो एक आधा कोई ज्ञान फालतू का बगान आ जाएंगे कड़त आ जाएंगे नू नहीं जो चालन लागे रहा उसने देख लिया, जुखाम हो गया भाई कौन सा साका दिल जिले नुका भाई जुखाम हो गया, वो आया करे ना वो के बोले अगर कोई साफ करनी है तो उनका दौरा जा नाक का मैं पाइप लगवा ले खींच लेंगे सारा बलगमना, या फिर नौकर सहरा गाँव में सीवरेजा गाँव नालियाँ गाँव में फट्टी मारनी आया कर रहे हैं गाँव गाँव में भी आंदे हूँ फट्टी मारनी है, ठीक है उसकी बुला ले नंबर में दे दूँगा साइकिल पा हुआ बांस का फट्टा लेके आऊगा नाक नानू बा लिए फट्टी मार देगा, ठीक है नाक खुल जाएगी जुकाम हो जाएगा ठीक है ये, और कि मैं कब्जी कुब्जी हो रही हो तो उसकी भी दूर कर देगा उड़े भी फट्टी मार देगा कब्जी भी हो जाएगी दूर, ठीक है भाई साका दिल जले कौन का है यो मंगल लोट बेटा नुगा बिकरा कमेंट करी जा भाई बता के काम है, हिसार में कहाँ रहते हो आप, कुमार साहब पूछे हिसार में कहाँ रहते हो गरमा रहा भाई, अगला सवाल देखो भाई अगला के, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि अगर किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचते हैं तो जितना इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है यानी कि जितना इस वस्तु का क्रय मूल्य है इसका बराबर उसने क्या हुआ है हानि हुआ है, यानी कि जो उसका जो भी उसने लॉस होगा और जो उसका जो क्रय मूल्य है दोनों के हैं बराबर हैं, बात आ गई समझ में, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, इस डाल का सवाल थे देखो कुकर लपेटोगे ला
देखो भाई कुकर लपेटोगे। ला 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 देखो भाई डाल का सवाल तीनों करोगे। देख लो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कदे फिर पाछा हांडो मुंह भाई। 30 और 70 बिल्कुल भाई आंसर आ गया भाई। 30 और 70 जमा सही सारे का सही आंसर है। 30 और 70 जिनका भी आया है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। सवाल देखो कुकर होगा इसका मैंने लेट मान लिया लेट कर लिया। आनी हवा मेरी कितनी है लेट आनी कितनी है एक्स रुपये हवा मना आनी मान ली ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछे एक वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत आनी हुई तो मना आनी कितनी मान ली एक्स रुपये मान ली तो आनी का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया आनी का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया एक्स प्रतिशत। यो मना आनी कौन मान लिया मना के मान लिया मना क्रय मूल्य मान लिया कॉस्ट प्राइस मान लिया। कॉस्ट प्राइस यानी कि जो उसका जो क्रय मूल्य मना कितना मान लिया एक्स रुपये है वो मना इसका क्रय मूल्य मान लिया तो आनी उसकी कितनी हो जाएगी एक्स प्रतिशत है उसकी आनी हो जाएगी कुकर हो जाएगी। के दे रखा है कि भाई क्रय मूल्य के बराबर है आनी प्रतिशत हुई ठीक है। यानी कि जितना उसका क्रय मूल्य है एक्स रुपये उसका क्रय मूल्य है और उतने ही प्रतिशत के हुई उसकी आनी हुई यानी कि एक्स रुपये क्रय मूल्य और एक्स के उसकी आनी हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितने परसेंट पूछा है और 21 रुपया में बेचना पर यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि जो उसका विक्रय मूल्य हो कितना है 21 रुपये है उसका क्या आपका सेलिंग प्राइस है ठीक है। इस चीज देखो सोल्व कुकर करोगे देखो अपना बेरा आनी प्रतिशत क्यों है आनी प्रतिशत यानी कि लॉस जो परसेंटेज है उसका फॉर्मूला क्यों है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने उस थोड़ी देर पहले ही बताया था क्लास में यानी कि जितनी भी आनी हुई है तरती सवाल का मैं ठीक है बटा में जो भी आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और गुणा में सो ये क्यों है आनी प्रतिशत का फॉर्मूला हुआ है। अब आनी प्रतिशत कितना दे रखी अपना थी एक्स प्रतिशत ठीक है। आनी कितनी हुई है अपने थी एक्स रुपी आनी कितनी हुई है भाई आनी का मतलब क्यों लॉस का मतलब क्यों हुआ है लॉस मैंने शुरू में बताई थी सवाल में लॉस का मतलब क्यों हुआ है यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का मतलब अगर मैं विक्रय मूल्य घटा दूंगा तो वो क्या होगा अगर अपने पास आनी हुआ है। क्रय मूल्य कितना अपने पास एक्स रुपये हो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य कितना है मेरा 21 रुपये हो मेरा विक्रय मूल्य है तो यानी कि आनी कितनी होगी मेरे पास जो आनी है आनी की वैल्यू कितनी होगी एक्स माइनस में 21 रुपये है वो मेरे पास आनी की वैल्यू होगी तो यानी कि आनी की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा लॉस की जगह यानी लॉस की वैल्यू यानी कि एक्स माइनस में 21 होगी यानी कि सीपी जो क्रय मूल्य हो कितना हो गया अपना पास सीपी हो गया अपना पास एक्स रुपये ठीक है और गुणा में 100 इतना क्या समझ में इफ डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई कर दो एक्स साढ़े आ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी कि इक्वेशन बन जाएगी एक एक्स स्क्वेयर बराबर में है एक्स माइनस में 21 और गुणा में 100 ठीक है। ये भी सोल्व करना है डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर बराबर में 100 की भीतर मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 100x माइनस में 2100 बन जाएगी ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस में 100x यो 100 इस पास 1000 प्लस में 2100 बराबर में 0 ठीक है। ये भी 70 और 30 के फैक्टर का मैं टूटागा भाई 100 ठीक है। एक्स स्क्वेयर माइनस में 70x माइनस में 30x प्लस में 2100 बराबर में 0 फैक्टर इसका मतलब एक्स कॉमन लेगे तो एक्स माइनस 70 और इसका मतलब अगर 30 कॉमन लेगे तो आड़े भी कितना हो जाएगा x माइनस 70 बराबर में 0 यानी कि x माइनस 70 कॉमन आ गया एक आ गया x माइनस 30 बराबर में 0 दोनों की वैल्यू 0 का बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू 70 और x की वैल्यू कितनी आओगी 30 यानी कि वैल्यू दोनों में तो कुछ भी हो सकेगा 70 और 30 का मैं था तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो करेक्ट हो जाएगा 30 या 70 है ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बस आएगा ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा साका रुक जा 30 70 आंसर है जी बिल्कुल भाई ठीक है भाई। ताऊ खट्टर का फैन होगा गुरु जी आई लव यू मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपसे मिलना चाहता हूँ आप कहाँ पर रहते हो धन्यवाद भाई साहब ताऊ खट्टर का फैन इस आरमा रवा भाई आज ये कदे भी ठीक है। सर पहले आप सीरियस रहा करते थे इब न गेल लाग जाओ हो पहला तो ब्लॉक ब्लॉक ठोका करते इनको आ गया होगा भाई सारे का समझ में भाई के आवाज उठाओ भाई ग्रामों का ग्राम सचिव पटवारी के लिए आवाज उठाओ भाई वाह लिया रे वाह जेसीबी मशीन लिया आवाज ना उठावाए उठ भाई आवाज उठ ग्राम सचिव पटवारी के लिए आवाज उठ 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 रहे उठ कौन उठ दी भाई आवाज के करा ग्राम सचिव पटवारी के लिए आवाज के आवाज उठाओ भाई उस दिन पूरी फिल्म बनाएगी तो बता दी थी तारती भाई नूनू हो रहा तारा गेल ठीक है
और कोई और की मैं तारी आवाज कौन उठा भाई ग्राम सचिव पटवारी खातर। अब तो वो है उड्या उड्या रे कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा, उड्या रे कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। ओ मारा उत्ता का से गम बावली ज्यादा ना गिर का ये रे, उत्ता का से गम बावली ज्यादा ना गिर का, उड़ जाइए रे कबूतरी उड़ जाइए रे, उड़ जाइए रे कबूतरी उड़ जाइए रे। कोनी जाऊं कैत कोने जावे, उड़ाए देंगे मेरी साड़ी ने। देखो भाई अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न बहुत हो गया कि आज खातर। विक्रय मूल्य के बराबर 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? आज की क्लास में मेरे हफ्ता तो बहुत सवाल हैं यार, ठीक है भाई। अपना पेड बैच भी है, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, अपना जॉब्स टारगेट नाम का ऐप है, जॉब्स टारगेट नाम का ऐप है, ठीक है। उसके ऊपर मैथ का कोर्स मिला है 200 रुपया का है, जॉब्स टारगेट नाम का ऐप, अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उड़े 200 रुपया का मैं है, मैथ का कोर्स मिला है, जो भी इंटरेस्टेड छात्र हो ले इसी का है, सारे पेपरों की तैयारी के लिए, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक हैं करवाए गए हैं वहाँ पर। तो भाई आज की क्लास का मैं काफ़ी है, सारे ती राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ, बहुत देर पढ़ लिए, अब और पढ़ना थोड़ा सा, एक आधा सवाल और करना है के बता दो। यो सवाल तो करवाए दिया, ये एक सवाल और करवाए दें भाई। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसको विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, ये सेम उसा ही सवाल है, ये जो पिछला सवाल था ना सेम टू सेम वही सवाल है भाई, एज इट इज डिट्टो कापी, जो ही भाई जो पिछला सवाल करवाया था एज इट इज यो है डिट्टो कापी। इसका मैं हानि दे रखा था भाई, 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, इसका मैं क्या दे रखा है उसके विक्रय मूल्य के बराबर 25% के बराबर लाभ कमाता है। तो इस केस का मैं भी क्या मानूंगा भाई, मैं लेट कर लिया भाई, मैंने उसका जो लेट जो उसका लाभ है वो मैंने कितना मान, जो उसका मना क्या मान लिया, किसी वस्तु में उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर है लाभ कमाता है, जो उसका मना विक्रय मूल्य है वो मना उसका कितना मान लिया, XRP मान लिया, ठीक है, लाभ मान लिया उसका। नो इसी डालता जो करिए पिछला सवाल कराया था ना, नो ए है डिट्टो एज इट इज, ठीक है, कुछ भी इसका मैं लंबा चौड़ा सा अंक होनी, प्रॉफिट परसेंटेज अपना दे रखा है और लाभ दे रखा है और सारा का सारा सवाल है काट लियो, ठीक है भाई। आज की क्लास का मैं बस इतना काफ़ी है, ठीक है, सारे ती राम राम, धन्यवाद, लंडा ले लो, खेच जाओ फटाफट।